Assalamualaikum and welcome back to my channel Study World. So, आज का हमारा जो टॉपिक है वो वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स के बारे में है कि बेसिकली ये दो टर्म्स जो है वो क्या हैं और क्या जो है डिफाइन करते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम लोग अगर वायरॉइड्स को देखें, वायरॉइड्स होते क्या हैं. वायरॉइड्स जो है वो एक सिंपलर टाइप का जो है इन्फेक्शनस एजेंट है. वायरस जो है वो एक सिंपलेस्ट इन्फेक्शन एजेंट है जो कि बिल्कुल ही सिंप्लेक्स होता है, सिंपलर होता है देन वायरस. क्या होता है? सिंपलर देन वायरस. पहले हमने कहा था कि वायरस बहुत ही सिंपलेस्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उससे भी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो दुनिया में मौजूद है जो कि वायरॉइड्स. अब वायरस जो है एक इन्फेक्शन एजेंट है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो इन्फेक्शन या डिजीज़ जो है वो कास करता है, इन्फेक्शस डिजीज कास करता है. ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो है वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो मौजूद होता है जो कि एक सर्कुलर आरएनए. ठीक है, यानी इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद है लेकिन है द सर्कुलर आरएनए, लेकिन इसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स वगैरह जो है वो मौजूद नहीं होती. बेसिकली हमने वायरस के अंदर पढ़ा था कि वायरस के अंदर डीएनए या न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए होगा, उसके साथ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं. ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो प्रोटीन्स मौजूद नहीं होती. अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस तरह से इसके बाद इसका स्ट्रक्चर होता है. जनरली मैं बना रही हूँ जस्ट समझाने के लिए कि अब यहाँ पर जो है ये जो है इसकी आरएनए है जो कि बिल्कुल सर्कुलर आरएनए है, और उसके अंदर जो है वो लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल यानी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंस होते हैं इन चेन. ठीक है, ये इनके क्या है, मतलब कि थाउजेंड्स, न्यूमरस थाउजेंड्स ऑफ द मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जो है इनके अंदर मौजूद होते हैं, इन जो कि लॉन्ग होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं और आरएनए इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर जो है वो मौजूद होता है, लेकिन इनके अंदर प्रोटीन्स वगैरह जो है वो मौजूद नहीं होती. ठीक है, ये जो होस्ट सेल है उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन कास की एबिलिटी रखता है. बेसिकली ये जो है डिजीज कास करता है, इन्फेक्शन डिजीज जो है वो कास करता है, क्योंकि ये जो है प्लांट्स में मोस्टली डिजीज करता है, एनिमल्स में भी जो है वो डिजीज कास करता है, लेकिन मोस्ट रेयर जो डिजीज है वो मतलब प्लांट्स में अंदर कास करता है. फॉर एग्जाम्पल हम पोटैटो को एग्जाम्पल ले लें. नॉर्मली हम जो पोटैटो की शेप जो है वो देखते हैं तो वो बिल्कुल ही ओवल टाइप जो है वो उसकी शेप होती है. लेकिन जब उसके अंदर जो है ये वायरॉइड्स जो है वो इन्फेक्शन कास करता है तो उसकी वजह से जो पोटैटो है कुछ इस तरह से हम लोगों को पोटैटो की शेप जो है वो दिखाई देती है, यानी बर्ड इस तरह लगता है जैसे कि जो है ये ओवल शेप जो है उसमें से स्मॉल स्मॉल बर्ड्स लाइक जो है स्ट्रक्चर जो है वो निकल रहा हो. ठीक है, यानी कुछ इस तरह से शेप जो है वो ख़राब तरीके से जो उसकी शेप जो है वो दिखाई देती है. ठीक है, और ये जो है वो ट्रांसमिट डिजीज़ है, यानी कि ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि एक एजेंट से, एक इन्फेक्टेड एजेंट से दूसरे इन्फेक्टेड एजेंट तक जो है इजीली ट्रांसमिट हो सकती है. ठीक है, अब मैंने कहा कि ये प्लांट्स के अंदर रेयर होती है, मतलब मोस्टली प्लांट्स के अंदर होती है, लेकिन कुछ जो है वो रेयर नहीं, कुछ जो है वो एनिमल्स के अंदर भी जो है ये डिजीज़ कास्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स हम अगर एग्जाम्पल ले लें कि ह्यूमन बींग के अंदर ये जो है वो हेपाटाइटिस डी जो है वो कास्ट करता है, हेपेटाइटिस डी जो है वो एनिमल्स के अंदर जो है ये कास्ट करता है, लेकिन मोस्टली जो है ये प्लांट्स के अंदर जो है डिजीज़ मौजूद होती है. तो हमने जो है वायरस को जो है वो अच्छी तरह से देख लिया. उसके अलावा अगर हम लोग देख लें कि वायरस जो है उसको कहा गया है कि ये ड्रॉफ पैथोजिन है,
पैथोजेनिक, ठीक है। ड्राफ्ट पैथोजेनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ कार्ड करता है उस डिजीज़ की वजह से ये जो है उसके मेटाबॉलिक रेट पर अफेक्ट करता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट पर अफेक्ट करने के बाद उसकी जो ग्रोथ है उसे स्टन कर देता है, यानी उसकी जो ग्रोथ है उसे रोकता है। बिल्कुल ही छोटे प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू दिस वायरॉइड्स, ठीक है। तो हमने वायरॉइड्स को देख लिया। अब हम लोग दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है प्रियॉन्स। ठीक है, प्रियॉन्स का मतलब क्या होता है? प्रियॉन्स मीन्स प्रोटीन। प्रियॉन्स बेसिकली जो है वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं। अब बिल्कुल ही अपोजिट है वायरॉइड्स के, यानी इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं लेकिन इसके अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो मौजूद नहीं होता। ड्यू टू नो न्यूक्लिक एसिड या एब्सेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड हमें पता नहीं चलता कि ये रिप्लिकेशन बेसिकली करता है या नहीं। अभी तक जो है वो उसकी कोई भी जो है हाइपोथेसिस नहीं आई है। लेकिन जो है हम लोग अगर प्रियॉन्स को देख लें तो प्रियॉन्स जो है नॉर्मल जब प्रोटीन होती है, प्रियॉन्स की नॉर्मल प्रोटीन जब ये होती है तो ये स्टेम सेल जो होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं उस स्टेम सेल के अंदर जो है मौजूद होती हैं जो कि मैच्योरेशन ऑफ न्यूरॉन्स में हेल्प करती हैं। मतलब कि जब ये नॉर्मल होती हैं, अब ये भी जो है एक इन्फेक्शन एजेंट है, इन्फेक्शस एजेंट है, मतलब कि ये भी इन्फेक्शन कार करता है। लेकिन जब ये नॉर्मल होता है तो ये स्टेम सेल यानी ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं जो कि मैच्योरेशन ऑफ न्यूरॉन्स में हेल्प करती हैं। लेकिन जब ये इन्फेक्शन एजेंट्स में कुछ खास इस वजह से ये कन्वर्ट हो जाती हैं इन्फेक्शस एजेंट में तो ये क्या करती हैं, ये हमारी ब्रेन को डीजनरेट कर देती हैं। यानी ह्यूमन्स के अंदर जो है डीजनरेशन का प्रोसेस करती हैं। डीजनरेशन मीन्स डीजनरेटिव मीन्स कि कुछ जो है हमारे ब्रेन की पावर्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन्स के अंदर जो डिजीज़ काज करती है इंसोमिया, ठीक है। इंसोमिया मीन्स जो नॉर्मली पर्सन्स होते हैं उनको जो है वो नींद नहीं आती, नॉर्मल जो पीपल्स होते हैं उनको नींद नहीं आती ड्यू टू दिस डीजनरेशन। उसके अलावा जो शीप है उसके अंदर यानी ये एनिमल्स के अंदर बेसिकली प्रियॉन्स जो है वो एनिमल्स के अंदर डिजीज़ काज करती हैं क्योंकि ब्रेन सेल्स जो स्टेम सेल्स है वो एनिमल्स के अंदर मोस्टली मौजूद प्रेजेंट होते हैं। जो शीप है शीप के अंदर जो है वो एक डिजीज़ ये काज करती है जिसका नाम है स्क्रैपी। स्क्रैपी क्या होता है? जो हम लोग देखते हैं कभी भी कुछ जो शीप्स होती हैं उनकी जो स्किन्स होती हैं उनकी स्किन्स पर जो मतलब उनकी जो हेयर्स होते हैं वो हेयर्स थोड़े थोड़े जो है वो रिमूव होते हैं और कुछ टाइप के जो है इन्फेक्शन्स जो है वो उनकी स्किन्स पर मौजूद होते हैं, कुछ इन्फेक्शन्स मौजूद होते हैं स्किन्स के अंदर। तो ये इन्फेक्शन्स स्किन पर जो होते हैं उसे हम स्क्रैपी कहते हैं जो कि शीप के अंदर होती हैं ड्यू टू प्रियॉन्स। ये प्रियॉन बेसिकली एक प्रोटीन है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद नहीं होता। ये जो है नॉर्मली जो है स्टेम सेल यानी ब्रेन के अंदर मौजूद होती है जो मैच्योरेशन में हेल्प करती है लेकिन आफ्टर कब कुछ कुछ कास की वजह से जो है ख़राब हो जाती है यानी इन्फेक्शस हो जाती है जिसकी वजह से डीजनरेशन करवाती है यानी ह्यूमन्स के अंदर जो डिजीज़ कास करती है। और कुछ जो है वो शीप्स जो है स्क्रैपी उसके अंदर जो है वो डिजीज़ कास करती है यानी नॉर्मल प्रोटीन्स जो है वो इबनॉर्मल प्रोटीन यानी मिसफोल्डेड हो जाती हैं। अगर दूसरे हम लफ्ज़ यूज़ करें मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो है वो मिसफोल्डेड हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है ये अपना काम जो है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाती तो ये जो है हमें नुकसान यानी हार्म कर सकती हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है यहीं ख़त्म होता है। हमने बेसिकली वायरॉइड्स जो है उन्हें देखा कि ये बिल्कुल ही सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि बिल्कुल ही सिंपलेस्ट है देन वायरस, ठीक है। उसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोटीन्स वगैरह मौजूद नहीं होती। न्यूक्लिक एसिड में इसके अंदर सर्कुलर आरएनए मौजूद होता है। यहाँ पर हमने सिंपल जो है रफ डायग्राम से जो है इसका स्ट्रक्चर को समझा। उसके बाद हमने देखा कि पोटैटो के अंदर जो है ये डिजीज मोस्टली कास की जाती है प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने प्रियॉन्स को देखा। प्रियॉन्स जो बेसिकली प्रोटीन्स की बनी होती हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं नॉर्मली एक स्टेम सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं जो मैच्योरेशन करवाने में हेल्प करती हैं लेकिन आफ्टरवर्ड्स जब ये ख़राब होती हैं तो डिजनरेशन ऑफ दी ब्रेन करवाती हैं या शीप में स्क्रैपी करती हैं। तो आज का मेरा लेक्चर जो है यहीं ख़त्म होता है। होपफुली मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आल्सो गिव योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।